हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। इट्स मी हेयर किरण बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर और बच्चे बाहर ही हैं। फिर से इतनी देर बारिश हो रही है। आज है संडे, संडे का नाइट है, मॉर्निंग हो चुकी हुई है। बच्चों की आज भी ऑनलाइन क्लास हुई है महिला की, और अभी रात का टाइम है। इतने जोर जोर से बादल वाइट गरज रहे हैं, तो मैं कब बाहर जाके देखते हैं, क्योंकि फिर से जो है नोटिफिकेशन आ चुकी हुई है, वार्निंग्स आ चुकी हुई है कि आज भी बारिश होनी है। मतलब इस साल, मतलब ये लास्ट ईयर 2022 जो गया है, और 2023 जो आया है, अभी आज फर्स्ट ऑफ जनवरी है, और इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं इस दफ़ा ना, इतनी ज़्यादा वरना इतनी बारिशें कभी नहीं हुई हैं जद्दा में तो स्पेशली। तो इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है सर्दी के मौसम में ना। पाकिस्तान में तो बहुत सर्दी पड़ रही है। और अभी मैं और मामा जा रहे हैं बाहर, अब्बू और बच्चे बाहर ही हैं। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि बारिश हो रही है कि नहीं, या फिर से बादल गरज रहे हैं। इसको चेक करते हैं। अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है, साथ बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलना। इतना प्यारा मौसम हुआ है, जल्दी से लाइक कीजिए। और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैम से, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखिए, बारिश रुक गई हुई है लेकिन हो रही थी। देखें कैसे सारा गीला हुआ हुआ है। ये देखें लाइटनिंग भी हो रही है अगेन। ओके, मैंने रात के टाइम ही ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आज संडे है और 1st of January है, और मेरी तरफ से मेरे ब्लॉग में सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का ये साल खुशियों भरा साल हो। अल्लाह पाक हर गम को आपसे दूर रखे, और अच्छा अच्छा ये साल गुजरे सबका। कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ किसी की ज़िंदगी में भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। ये देखें बच्चे, ये अब्बू उमरा करके आया है ना, तो फिर अब्बू ने टिंट करवाई हुई है। ये देखें ये बच्चे, रोहान भी ठीक नहीं है, और उमाइजा दोनों ही ठीक नहीं है। इनको मेडिसिन में दे रही हूँ तो ठीक रहते हैं। दोनों को देखें गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं, वरना इतने गर्म यहाँ पे पहने नहीं जाते थे कपड़े। इसको भी चेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है, गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं, साथ कफ हो रही है। वो पीछे वो पहले ही कफ कर रही है। यस बेबी, वो देखें फिर से लाइटनिंग हो रही है। अभी रेन नहीं हो रही इसलिए वहाँ पे खड़ी हुई है, वरना इसको जाने नहीं देना था। बेटा सडन रेन आ सकती है, सो आप आगे ठीक नहीं हो। मेरा बेटा आगे ठीक नहीं है, अब उधर नहीं जाए, इस साइड पे आ जाए दोनों। ओहो बहुत ही गरज में है। आइए माइजा बेटे, सडन आएगी वो, देखो इस थंडरिंग लुक क्लाउड्स। ध्यान से बेटा, वीकनेस हुई हुई है, सो बेटा बी केयरफुल। अब देखें कल माइजा का ट्रिप भी जाना था, मंडे को इसका ट्रिप था। लेट्स सी कि नोटिफिकेशंस आती हैं कैंसिल की या नहीं आती हैं। अब ये पता चलेगा अभी रात, थोड़ा और ज़रा टाइम आ जाए, 9-10 बजे तक मैसेज करेंगे। ये देखें कैसे बिजली चमक रही है। देखते हैं कि थोड़ी देर तक मैसेज आते हैं कि नहीं आते। अगर नहीं आया तो फिर तो ही जाएगी, बस पे जाना है इन्होंने, स्कूल बस ही जाएगी। बादल गरज रहे हैं, सो इनका जा रहा है। इनकी टीचर को मैं बोलूँगी, मैसेज करूँगी कि इनकी ज़रूर पिक्चर्स और छोटे छोटे क्लिप्स ज़रूर बनाए। तो इंशाल्लाह मैं टीचर को बोल दूँगी, अगर वो बनाएंगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये माइजा का फर्स्ट एवर ट्रिप है विद द स्कूल, माशाल्लाह का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मैं तो अपने हर ट्रिप पर गई थी जब मैं छोटी थी, हर स्कूल ट्रिप पर मेरी मामा ने मुझे भेजा था। और इस दफ़ा जो है उमाइजा का ये फ़र्स्ट ट्रिप है, तो इसको भी मैं ज़रूर भेजूँगी इंशाल्लाह। आप लोग मुझे बताइए कि कौन कौन जो है ट्रिप पर जाता था स्कूल के साथ, कमेंट में जल्दी से बताइए मुझे कि किस किस को ट्रिप पर जाने की परमिशन मिलती थी उनके पेरेंट्स से। मुझे तो हमेशा हर टाइम मिली, और इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को भी भेजा करेंगे। बाबा आ रही है, बाबा आ रही है, मेरे बच्चों की उर्दू चेक कर रहे हैं, एडवांस उर्दू है इनकी। तो जब ये लोग मम्मा वगैरह के साथ, या जब अम्मी आई थी, अम्मी और सायरा, उनके साथ ये लोग बोलते थे, उर्दू में थोड़ी थोड़ी बात करते थे, लेकिन इनकी उर्दू पठानी उर्दू की तरह ही, इनको आती नहीं है उर्दू। जो वर्ड्स आ जाएँ तो बोल लेते हैं, नहीं आते तो उसको इंग्लिश में भी रहने देते हैं। अब कह रही है माइजा बाबा आ रही है, बाबा आ रही है। एक और फनी बात बताती हूँ, रोहान का एक दिन पैम्पर चेंज कर रही थी, रोहान कहते हैं मम्मा मैं गिर गई। इतने ज़्यादा फनी बोलते हैं ना ये लोग।
अच्छा बारिश जब हो रही होती है उस टाइम ठंडा होता है मौसम, लेकिन जब बारिश रुक जाती है ना तो तब थोड़ा गर्म गर्म होना शुरू हो जाता है, तब इतना ठंडा नहीं रहता है। जो है ना बादल भी गरज रहे हैं और साथ ये देखें ये बादल भी गरज रहे हैं और साथ ही साथ जो है बिजली भी चमक रही है। तो एकदम से आनी है जब भी बारिश आनी है ना, ये भी हल्की हल्की होके जो है ना ये रुकी हुई है, सो एकदम से आती है जब इतनी तेज़ बादल गरजते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, बहुत तेज़ बारिश आई थी रात के टाइम जो है ना, 9:30 का टाइम था। ये देखें ज़रा लाइटनिंग हो रही है, ये देखें बादल, आसमान बादलों में घिरा हुआ है, ये देखें लाइटनिंग भी हो रही है। बैठ गए हुए हैं बाहर, वाटर फिल करने गए हुए हैं, पानी के गैलन भरने के लिए गए हुए हैं और साथ ही साथ रोटियां लेने के लिए गए हैं, साथ बच्चों की मेडिसिन लेने गए हैं। ये देखें हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की टिप 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 बरसा पानी। ये देखिए जी बारिश शुरू हो गई है, अब ये हल्की हल्की होगी, एकदम से तेज़ होगी। देखिए बिजली, वैद गए हुए थे बाहर, ये माइजा अपने डैडी को बुला रही है, वो आ गए हैं वापस। चलिए जी अभी तो हल्की हल्की है बारिश, अभी चलते हैं अंदर, तो वैद भी आ चुके हैं। माइजा आ जाओ बेटा, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये देखिए रूहान भी आ गए, दोनों अपने वाटर बॉटल लेकर आ गए हैं। चलिए जी मैं चलती हूँ अभी अंदर, वैद भी आ चुकी है। बारिश तो अभी हल्की है, कोई इतनी तेज़ नहीं थी, मुझे था कि तेज़ हो रही होगी, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी तेज़ जिस तरह बादल वगैरह गरज रहे हैं। चलें वैद रोटियां ले आए, खाना खाते हैं अब। ये देखिए जी आज मैंने बनाए हुए हैं बैंगन गोश्त, ये देखें जी बैंगन गोश्त। चलिए जी अब जल्दी से मैं गर्म करती हूँ खाना और उसके बाद फिर खाना खाते हैं, और बाहर से बारिश की आवाज़ भी आना शुरू होगी। यहाँ एसी से जो है ना टिप टिप पानी गिर रहा है, गौर से सुने। आई आवाज़ आप लोगों को बताइएगा, अगर आई है तो, नहीं आई तो मैंने बता दिया कि बारिश हो रही है। चलिए जी मैं गर्म करती हूँ और फिर ये भी वैद लेकर आए हैं बसबूसा, बर वेदर बहुत प्यारा है माशाल्लाह, तो वैद ने कहा चलो जी आज हम खाते हैं बसबूसा। तो ये देखें ये भी लेकर आए हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ तो फिर इसको ओपन करते हैं। चलिए जी, चलिए जी खाना हम लोग खा चुके हैं, ये वैद लेकर आए हैं बसबूसा अभी, और अभी हम सब ये इंजॉय करने लगे हैं। मौसम को अच्छे से इंजॉय नहीं किया तो फिर क्या किया भाई। सो बस ये सऊदी स्वीडिश लेकर आए हैं ताकि हम नाना अबू को भी खिलाएं, मम्मा वगैरह पहले खा चुके हुए हैं यहाँ पर, लेकिन नाना अबू फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे। अभी हम लोग करते हैं इसको इंजॉय, और चाय जो है मैं पहले ही बना चुकी हुई हूँ वैद के आने से पहले, ये देखिए चाय भी बन चुकी थी, अब हम ये खाते हैं। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ये दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।